नमस्कार दोस्तों, लाउंडर बात कर रहा हूँ। तो कैसे आप सब, क्या चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे और मेरे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। अब ये वाला डायलॉग सुन सुन के आपके कान थक गए होंगे और मैं बोल के थक गया हूँ। देखो, आप लोगों के अंदर शर्म नहीं है, यहाँ पे IPL के 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं और 9 मुकाबलों में से आप मेरे एक एक मुकाबले की वीडियो देख कर आओ और कौन कौन सा मैंने मैच का बैनर दिया है वो देख कर आओ। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके आंखों के सामने। और आज वाला मुकाबला भी राजस्थान के रजवाड़े और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया था। इस मैच की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी एक नाइट पहले और बोला था कि भाई राजस्थान के रजवाड़े जीतेंगे। ये तो मैंने वीडियो में बोला था, एक नाइट पहले अपलोड कर दी थी। और यही बात मैंने टेलीग्राम पे हाथ पकड़ के काम कराया जब दिल्ली कैपिटल्स बोर्ड पर फेवरेट था, तभी भी एंट्री करा के मैंने ये मैच जितवाया। तो देखो, मैचेस में मैं कोई कटौती नहीं रख रहा हूँ। अभी आप टाइम देख लो, 3:23 का समय हो गया है, रात के 3:23 का। अभी आप लोग सो गए होंगे क्योंकि IPL का मैच 12:30 ख़त्म हो जाता है, आपका काम निकल जाता है। मैंने टीम दी, मैंने एंट्री कराई, अपनी टीम जीती, आप अपने सोने चले जाते हो। मैच का आपको विनर चाहिए वो आप टेलीग्राम से आप देख लेते हो, वीडियो में मैं डाल देता हूँ, उससे सुन लेते हो। आपका काम निकल गया, आप ना मुझसे हाय बोलते हो, ना हेलो बोलते हो, ना कुछ बोलते हो, ना मुझे मैसेज करते हो, ना मेरा चैनल शेयर करते हो, ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो। केवल आप लोगों का काम यह है कि मैच के समय आपको आपकी टीम मिले, बेशक वो 10 पैसे का जैकपॉट उड़ा के दूँ मैं, चाहे वो 20 पैसे का जैकपॉट उड़ा के दूँ, कुछ भी करूँ, XYZ आप लोगों के लिए कलेजा रख दूँ अपना निकाल के, तभी भी आप लोगों के लिए कोई एहसान नहीं मानोगे उसका आप। यहाँ पे मार्केट में 2 मैचेस देने के बाद यहाँ पे पेड़ पे आ जाते हैं, 3,000 रुपये पर मैच के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ना पैसे लूँगा ना मैं किसी को देने दूँगा, सारी दुकानें बंद करूँगा मैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, एक मैसेज का प्यार मांगता हूँ, चैनल शेयर करने के लिए बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, और ये बोलता हूँ कि जो नए बंदे हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, तो उसमें मैं क्या ही गलत बोल दिया मैंने? अब मैं ये आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, कुछ लोग इरीटेट होके भैया वीडियो देखना बंद कर रहे हैं, मतलब मैं मानता हूँ वीडियो नहीं देखेंगे। तो मैं आप देखो मैच की शुरुआत कर रहा हूँ, देखो विनर चाहिए ना आपको, तो विनर मैं देकर जाऊँगा, बाकायदा वीडियो बनाऊँगा, तो भाई वीडियो देख लो, क्योंकि आप लोगों के अंदर शर्म नहीं है, लेकिन मैं जैसा हूँ आप लोगों के लिए अपना छोटा भाई और अपना बड़ा भाई मानता हूँ, वो मैं मानता रहूँगा। तो देखो, अभी तक 9 मुकाबले हो गए और 9 मुकाबलों में से ज़्यादातर आप जाके देखो कि हमने कौन कौन से मैच की प्रिडिक्शन कैसी कैसी दी हैं, आपको एक्यूरेट मिल जाएंगी, पूरे वीडियो डले हैं, आप जाके देख सकते हो। अब ये मैच नंबर 10वां है जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा कल के दिन, और ये 90-91 पैसे का रेट है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच है, 7:30 ये महामुकाबला आपको कल के दिन देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये सबसे तगड़ा मुकाबला होने वाला है। अब तगड़ा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि रेट आप देख लो, 90-91 पैसे का रेट चल रहा है। 90-91 पैसे का मतलब ना तो कोलकाता आप बोल सकते हो उस मैच में जीत रही है, ना आप ये बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे RCB जीत रही है। फिक्स बिल्कुल एक तरीके से दोनों टीमें बराबर की टीमें हैं। कोलकाता की बैटिंग उठा के देख लो, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बैटिंग उठा के देख लो, सेम लगेगी आपको। बॉलिंग दोनों की सेम ही है, किसी की कोई नहीं है, एक दो प्लेयर ऊपर नीचे हैं, तो इसलिए ये 90-91 पैसे का रेट है। ये मेरे लिए भी टफ मुकाबला है आपको शेयर करना, इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके एक विनर निकल कर आएगा। अंदाजे से आप इस मैच में पैसा नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज के मैच की कंडीशन बता देता हूँ, कुछ लोग नए हैं इस चैनल पर आएंगे, चैनल पर विजिट करेंगे तो उनको कुछ दिखाना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना चैनल है ऑलराउंडर फैमिली के नाम से, ये है टेलीग्राम का चैनल। अब जो भाई टेलीग्राम नहीं जानते तो मैं इनको साफ साफ बता रहा हूँ कि टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करो, और जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम डाउनलोड करते हो तो हमारा ऑलराउंडर फैमिली के नाम से चैनल आ जाएगा। चैनल आएगा नहीं, आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पर जाकर, ALROUNDERFAMILY फैमिली ये डालोगे आप, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा हमारे चैनल के नीचे, तो वो ज्वाइन करना है आपको। ये ज्वाइन करने के बाद आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जैसे ही हमारा चैनल मिलता है तो इसको ज्वाइन कर लेना है आप लोगों को। अब मैं आपको काम दिखाता हूँ जो कि भाई मैंने आज काम कराया था, आज के मैच का काम कराया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का मैच नंबर 9 T20 आपके सामने ही रखा है, जो है जैसा है आपके सामने रखा है, टाइमिंग आप देख सकते हो, टाइमिंग आप मिला सकते हो। देखो 7:28 का टाइम था, विनर मैंने क्या दिया, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स दिया। इतना ही नहीं, अब मैंने एंट्री भी कराई, 94 पैसे राजस्थान को बिन करो, 90 पैसे दिल्ली फेवरेट राजस्थान को बिन करो, 70 पैसे दिल्ली फेवरेट राजस्थान को बिन करो, यहाँ पे 45-50 दिल्ली राजस्थान को
विन करो। इनिंग अपडेट में 186 का टारगेट डिपेंड होगा, राजस्थान जीतेगा। तो साफ साफ मैंने पूरे मैच में हाथ पकड़ के काम कराया है। तो अभी भी देखो देर नहीं हुई है, अभी भी देखो 9 मुकाबले हुए हैं, कल मैच नंबर 10वां है, कल से स्टार्ट कर दो जिन भाइयों का लॉस है। आ जाओ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो इस चैनल को ऑलराउंडर फैमिली के नाम से। और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भाई कंजूसी करते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करने में, तो मैं उनसे साफ साफ बता दे रहा हूँ कि हमारा चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो भैया ज्वाइन कर लो। अब ज्वाइन कैसे करना है हमारा यूट्यूब चैनल, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल करने के लिए गूगल पर जाओ, गूगल पर ऑलराउंडर फैमिली सर्च कर लो। ऑलराउंडर फैमिली जैसे ही आप डालोगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का, ये रहा पेज एक तरीके से, ये पेज हो गया। इस पेज को आपको करना कुछ नहीं, इस पर आपको एक बार बटन दबाना है, एक बार क्लिक किया डायरेक्टली यहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा, ये है सब्सक्राइब का ऑप्शन। बस भैया कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। आपको पर डे वीडियोस मिलती रहेंगी आईपीएल के मैचेस की, ये मेरा वादा है। और मैचेस में मैं ऐसे काम नहीं कराता, बारीकी से सोच के समझ के प्लेयर्स को देख के सारी चीज़ें समझ के जब मुझे लगता है ठीक तभी मैं मैच में काम कराता हूँ, जब नहीं लगेगा उस दिन स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो सभी भाई अगर वीडियो देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका काम है। अब मेरा काम है मैच का प्रेडिक्शन देना, मैं आपको बताता हूँ कल के मैच के रिगार्डिंग। अब देखो टीम के बारे में मैंने बता दिया, रेट के बारे में बता दिया, अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं विनिंग के बारे में बताऊँ तो 51-49 का परसेंटेज है, बराबर का परसेंटेज माना जाएगा, बहुत बहुत ही मतलब क्लोज मैच है ये। और हेड टू हेड भी मुकाबले आप देखो पिछले 10 मुकाबलों में से 5-5 टीमें दोनों बार जीत चुकी हैं, मतलब 5 मुकाबला जीती है आरसीबी और 5 मुकाबला केकेआर। तो यहाँ पे पिछले साल की अगर मैं बात करूँ 2023 के जो मुकाबले खेले गए थे उनमें दोनों बार केकेआर ने बाजी मारी थी, पिछले साल दोनों मुकाबलों में केकेआर ने बाजी मारी थी और 2022 में आरसीबी 3 विकेट से जीता था। तो यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ इतना है कि देखो मैं यही बोलूँगा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम का ग्राउंड है और ये ग्राउंड किसका ग्राउंड है ये आपको पता है, ये आरसीबी को फेवर करता है। अब ग्राउंड का एडवांटेज अगर उनको होम एडवांटेज मिलता है इसी बात से फेवर है आरसीबी को, नहीं तो किसी भी एंगल से अगर देखा जाए, किसी भी एंगल से अगर देखा जाए कम नहीं बैठ रही है केकेआर। अगर मैं पॉसिबल 11 की बात करूं तो पॉसिबल 11 में देखो विराट कोहली का बल्ला चल रहा है, फाफ डुप्लेसी अभी तक नहीं चले, और कैमरॉन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, अलजारी जोसेफ, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, इम्पैक्ट सब्सिट्यूट में देखो महिपाल लोमरोल जो कि पिछला मैच इन्होंने जिताया था, महिपाल लोमरोल और दिनेश कार्तिक ने। तो यहाँ पे देखो विराट कोहली का बल्ला चल रहा है इस साल, टच में नजर आ रहे हैं मुझे, कैमरॉन ग्रीन से मुझे कल एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और डुप्लेसी से, क्योंकि डुप्लेसी 2 मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, अब ये इनका 3रा मुकाबला है, मुझे लग रहा है कि कल डुप्लेसी का बल्ला चलेगा। और ग्लेन मैक्सवेल, अगर ग्लेन मैक्सवेल, डुप्लेसी, कोहली और कैमरॉन ग्रीन ये 4 प्लेयर्स अगर चल जाते हैं तो भाई आरसीबी का जीतना तय है। और इनके अगर हम बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद सिराज के बाद अलजारी जोसेफ 2 बॉलर्स हैं। और इनकी स्पिन के बारे में बात करूंगा तो इन स्पिन में महिपाल लोमरोल भी स्पिन करते हैं और भी हैं 2-3 प्लेयर हैं, दिनेश कार्तिक तो करते नहीं हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा आप लोगों से कि देखो केकेआर के अपोजिट अगर देखा जाए तो केकेआर में सबसे तगड़ी फॉर्म चल रही है आंड्रे रसल की। आंड्रे रसल बहुत तगड़ी टच में नज़र आ रहे हैं इस साल, क्योंकि उन्होंने पहले मुकाबले में ही बता दिया कि भाई हमारी केकेआर की टीम किसी भी टीम से कमज़ोर नहीं है। और इस साल केकेआर के मेंटोर भी हैं गौतम गंभीर, जो कि भाई केकेआर से ही खेला करते थे इस साल मेंटोर हैं। तो देखो मैं केकेआर की अगर मैं बात करूं तो सुनील नारायण, फिलिप साल्ट, वेंकटेश अय्यर, सुरेश अय्यर, नितेश राणा, रिंकू सिंह, आंड्रे रसल, मिचेल स्टार, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, सुरेश शर्मा, चेतन सकारिया, इम्पैक्ट सब्सिट्यूट में रमनदीप सिंह। तो यहाँ पे देखो यार कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे कि सुनील नारायण, फिलिप साल्ट। अब सुनील नारायण को तो देखो खुला लाइसेंस दिया जाएगा कल मारने के लिए, या तो आप मारो या तो आउट हो जाओ। अगर इनका बल्ला चल गया ना 6 ओवर में तो ये रन मार सकते हैं, सुनील नारायण एक खतरनाक प्लेयर हो जाते हैं जब उल्टा सीधा बल्ला चलाते हैं। और फिलिप साल्ट जो इनके टीम में है ये भी काफ़ी पावरफुल हिटर है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 2-3 बॉल खेलने के बाद ही हिटिंग करने लगता है।
तो फिलिप साल्ट भी हो गए, वेंकटेश अय्यर चौके छक्के पे डील करते हैं बीच बीच में, लेकिन इतने भी तेज नहीं है कि भाई आप इनका कंपैरिजन एंड्री रसल से करो। ठीक है, श्रेयस अय्यर कप्तान है इस टीम के, अच्छी इनिंग इनसे देखने की एक्सपेक्टेशंस आपको भी है, मेरे को भी है। ठीक है, नितेश राणा और रिंकू सिंह। नितेश राणा तो देखो है ही अच्छे, इनके पास क्लास भी है, मैच जिताना जानते हैं। और रिंकू सिंह और एंड्रे रसल, देखो दो बड़े प्लेयर्स मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग में अगर इनके विकेट जाते हैं तो एंड्रे रसल और रिंकू सिंह पे निगाहें होंगी इस मैच में, चाहे वो चेस पे आए चाहे वो फर्स्ट इनिंग पे आए। तो यहाँ पे अगर टीमों का अगर मैं प्लेयर्स के बारे में बताऊँ तो देखो यही है कि बराबर की टीम बैठ रही है और इस बराबर की टीम में बराबर का रेट भी चल रहा है, तो बड़ा कहना मुश्किल लग रहा है कि भाई कौन जीतेगा कल का मुकाबला। अब देना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देकर जाना पड़ेगा। आप लोग बोलोगे कि भाई मैच का प्रिडिक्शन नहीं दिया आप लोगों से, लेकिन होम एडवांटेज के अगर हिसाब से देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर लग रहा है मुझे इस मैच में, क्योंकि इनका ही होम ग्राउंड है, अपने ही होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। और कोई भी टीम हो जब उनका होम ग्राउंड जब उनको मिलता है ना तो उससे उनको बड़ा मजा आता है, तो इस वजह से होम ग्राउंड का एडवांटेज मिल रहा है। और इस साल आपको भी पता है WPL में आपको भी पता है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जो वुमेन्स थी उन्होंने कब जीता है, तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मीम्स बन रहे हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऊपर, बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि भाई एक भी कप नहीं जीता, अब तो भाई लड़कियों ने भी बाजी मार ली, तो उल्टे सीधे कमेंट्स भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से हेट्स भी मिल रहा है इन्हें। तो उम्मीद यही है कि इनका क्राउड है इनके पास, इनका ही घर है, तो ये अपने घर में कल के मुकाबला अच्छा करेंगे। लेकिन ये जो टीम मैंने अभी आपको दिया है ये मेरे तरीके से मेरे मन से तन से धन से फाइनल टीम का विनर नहीं है, जो अभी निकल कर आया है उस हिसाब से मैंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को अभी विन कराया है। लेकिन अगर कुछ चेंजेस होते हैं टॉस के बाद, अगर कुछ चेंजेस होते हैं या फिर कोई बदलाव होता है रेट में या फिर कुछ किसी भी चीज़ में, तो देखो हमारी टीम आपको कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ, हमारी टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर कल 7:30 बजे मेरा और आपका साथ मिल जाना है, और एक बॉल से लेके फर्स्ट बॉल से लेके लास्ट बॉल तक जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरा और आपका साथ बना रहेगा। तो सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जो भाई नहीं ज्वाइन करेगा देखो मैं उसकी कुछ मदद नहीं कर सकता। तो सभी भाई जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मेरा और आपका साथ 7:30 बजे से लेके फर्स्ट बॉल से लेके लास्ट बॉल तक आपको देखने को मिलेगा। तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, तब तक के लिए ख्याल रखिए, रात बहुत हो गई है, मैं भी वीडियो बनाने के बाद सोने जा रहा हूँ, आप भी भाई वीडियो देख लो सही तरीके से। कल मेरी टीम जो है वो है, अभी मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, RCB, ये मैंने लिख दिया RCB है, RCB मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे। अगर चेंजेस होते हैं तो अपने ही टेलीग्राम चैनल पर 7:30 बजे आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलो मैंने सब बातें क्लियर कर दी हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी मेरी और आपकी।